नमस्कार, मैं हूं अनुभव शर्मा और आज बात करते हैं बुलंदशहर की बड़ी खबरों की। पहली बुलंदशहर की बड़ी खबर सिकंदराबाद तहसील के सरोधन गांव से आ रही है, जहां गांव के ही दो पक्षों में पशु बांधने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दो गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर भी किया गया है। फिलहाल पुलिस अब इन सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि पासू ब्लॉक से आ रही है, जहां आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने आवारा गौवंशों को पासू ब्लॉक के एक पशु चिकित्सालय में ही बंद कर दिया और वहीं दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी खबर की बात करें तो तीसरी खबर बुलंदशहर के सियानागढ़ हाईवे से आ रही है, जहां एक डग्गे मार बस की छतों पर जो यात्री हैं वो यात्रा करते नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों के कांधे पर डग्गे मार वाहनों को रोकने और ओवरलोडिंग रोकने की जिम्मेदारी है, आखिर वो किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अनुभव शर्मा, ABP गंगा, बुलंदशहर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।